सीरियल रब से है दुआ में लीजिए। सुभान ने कर दी अरमान की पिटाई, और अरमान ये बेचारा जो पिट रहा है ना, मतलब वो बेचारा नहीं है क्योंकि उसकी हरकतें बेचारी जैसी नहीं है, बट फिलहाल वो पिट रहा है मन्नत को बचाने के लिए। देखिए ऐसा ही होता है, गलत का साथ देंगे तो भुगतना तो पड़ेगा ना। अब हमने लव ट्रायंगल के बारे में तो सुना था, लेकिन यहाँ इबादत और मन्नत की कहानी में तो कुछ अलग ही ट्रायंगल चल रहा है। अब घर वालों के सामने अरमान ने ये कह दिया है कि वो मन्नत से प्यार करता है, लेकिन मन्नत तो फरहान से प्यार करती है। सुभान मन्नत से प्यार करता है और इबादत सुभान से। भाई आज तो सुभान बन गया है एक्शन हीरो और जमकर कर रहा है अरमान की पिटाई, जहां अरमान की कोई गलती भी नहीं है, लेकिन आज मन्नत के लिए वो बलि का बकरा बन चुका है। हाँ पता मुझे भी नहीं था, एक्चुअली पता किसी को नहीं था कि मेरी पिटाई होने वाली है। हाँ लेकिन इतना मुझे पता था कि ये सब चीज़ें एक ना एक दिन सामने आने वाली है। सो फाइनली आज आ चुकी हैं, टिंग करके दिखा रहा था मैं, बता रहा था कि दादी अम्मी को कि मैंने कैसे प्रपोज़ किया, क्योंकि इबादत नीचे आ जाती वो फरहान को पकड़ लेती, तो इसलिए मुझे मन्नत को प्रपोज़ करने की एक्टिंग करनी पड़ी। सो वो बस मैं ड्रामा कर रहा था अपने रूम में। सो वहीं से सुभान जी जा रहे थे अपनी पानी की बोतल भरने और उन्होंने मुझे देख लिया। अब इबादत घर वालों के सामने फरहान को एक्सपोज करने वाली होती है, और ऐसे में मन्नत को बचाने के लिए अरमान उससे प्यार करने का नाटक करता है और सबके सामने ये कहता है कि वो मन्नत से मोहब्बत करता है। अब ये सब सुनने के बाद सुभान का गुस्सा तो सातवें आसमान पर चला जाता है, तो वहीं घर वाले भी इस बात से काफी हैरान होते हैं। लेकिन हैरान होने वाली ये बात भी है कि आखिरकार अरमान मन्नत को क्यों बचाना चाहता है। जब दादी अम्मी बोलने जा रही होती कि मन्नत एक नंबर की ये है वो है, क्योंकि उसने ही उसकी वजह से सब चीज़ें हो रही हैं, फरहान का सच सबके सामने आने वाला था, देन मुझे ये लगा कि अगर दादी अम्मी ने फरहान के बारे में सबको बता दिया तो हम भी फंसेंगे। सो मैंने उस टाइम दादी अम्मी को चुप कराया और मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं प्यार करता हूँ मन्नत को, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि मन्नत शादी से भागना चाहती है ताकि वो फरहान के साथ रह सके। फिलहाल तो अरमान ने मन्नत को बचा लिया है, लेकिन मन्नत का ये सच बहुत जल्द ही बाहर भी आएगा, क्योंकि इबादत भी चुप नहीं बैठेगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।